प्रत्यक्ष रूप से ध्यान से वो संबंधित तो नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से है। पिताजी माताजी और बहन से मोह कैसे छूटे, थोड़े में कहें तो मोह कैसे छूटे। संबंध से मोह होता है और उसका मोह तब टूटता है जब संबंध की नश्वरता, संबंध की क्षणभंगुरता का ध्यान रखा जाए, उसका स्मरण किया जाए। कोई भी संबंध स्थिर नहीं है, इसको मन में बनाए रखना। अंत दशा लिए आदि में सोई सांच बैराग। संबंध का अंत क्या है? वियोग। कोई भी संबंध, देखिए यहाँ एक सभा लगी है, कैसे हम सब आ गए, इकट्ठे हो गए, एक संबंध बन गया। संबंध का वियोग हो जाएगा। क्या ये संबंध स्थिर है? दुनिया में ऐसा कोई संबंध है जो स्थिर है? चाहे वो पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, किसी का भी, चाहे गुरु शिष्य का हो, कोई भी संबंध स्थिर नहीं है। और शरीर स्थिर नहीं है, शरीर परिवर्तनशील है। मन स्थिर नहीं है, मन परिवर्तनशील है। क्या स्थिरता है? इस निरंतर परिवर्तनशीलता की धारा में जहाँ हम बह रहे हों, वहाँ मोह किस बात की? क्यों मोह करें? उसकी क्षणभंगुरता, उसकी नश्वरता, अपने देह की ही क्षणभंगुरता और नश्वरता को समझें, मोह कहाँ रहेगा? हाँ, संबंध है, प्रेम हो, आपस का विश्वास हो, अच्छा बर्ताव हो, ये गलत नहीं है। मोह बिल्कुल अलग चीज़ है और प्रेम बिल्कुल अलग है। इसलिए मोह कैसे छूटे, और बात बताऊं, रोज़ वैराग्य संजीवनी की पाठ करिए। वैराग्य संजीवनी का रोज़ पाठ करिए, उसमें आपको प्रेरणा मिल सकती है। फिर इस प्रकार के विचार जो वैराग्यवर्धक हों, सुनते रहें, अभ्यास करते रहें, तो फिर धीरे धीरे मोह टूटता है। अभ्यास से होता है, काम करने से होता है। ध्यान में सड़क चलते, खाना खाते, कहीं भी सद्गुरु की वाणी या उनकी याद आती तो मुझे बहुत रोना आता है। यह क्या है, क्यों ऐसा होता है? सबके मन की प्रकृति अलग अलग है। किसी का मन थोड़ा से कठोर होता है और किसी का भावुक होता है, बड़ा सरल होता है। सद्गुरु की याद आना तो ठीक है, लेकिन अब बार बार रोते रहना तो बहुत ठीक नहीं है। वैसे कहा गया है कि मन बोझिल हो तो और रोने का मन करे तो रो लो, दोनों ढंग है। यदि आप रोना चाहें तो रो लें, थोड़ा हल्का हो जाएं। अनुभव किए होंगे ना, बहुत दुख है मन में, और आपके कोई गार्जियन, खास करके माताओं के लिए है, ये बहनें जब ससुराल में रहती हैं तो किसी बात को लेके मन बोझिल है, और उनकी माँ आ गई या पिता आ गए या वो ही पहुँच गई अपने नैहर, तो एक बार रो लेती हैं, थोड़ा हल्का हो जाता है, रिलैक्स, मन का बोझा थोड़ा घट गया। तो किसी की याद आए रो लो, तो कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में, अब आप कह रहे हैं कि खाना खाते समय, सड़क चलते समय, कहीं जाते समय सद्गुरु की याद आई और रोना जाता है, ये भावुकता है। मजबूत मन वाला बनो। सद्गुरु की याद करने का अर्थ है कि उनका ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। इसका अर्थ है आप भीतर से निर्मोह और निर्विकारी हो जाएं, न कि रोना आए। रो करके काम नहीं बनता है, विकारों के ध्वंस करने से काम बनता है। रोना ऊपरी तौर पर है, ठीक है,
कभी ऐसा हुआ तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आप कब तक के भावुक बने रहेंगे? सत्य के कंक्रीट धरातल पर आपको स्थित होना होगा, इसलिए रोने की आवश्यकता नहीं है। उनके ज्ञान को आत्मसात करने की आवश्यकता है, अर्थात उनका ज्ञान हमारे भीतर समा जाए और हम अपने विकारों को दूर करके अपने आप में स्थित हों। ये ठीक है, बाकी रोना आता है तो उसको आप छोड़ें, कठोर बने, ज्ञान में आएं, मजबूत बने, उन अंशों का स्वाध्याय करें जिससे मन की मजबूती बढ़े, गुरु का ज्ञान आत्मसात हो। ये कुल सीधे ध्यान से संबंधित तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो परोक्ष रूप से एक किसी न किसी रूप से हमारे मन की शांति को भंग करते हैं और ध्यान से भी संबंधित हैं। और तो अब किसी की कोई प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं, मैं पूछूं, लेकिन इतनी दूरी इतनी है आप और हम लोगों में, ना आप लोग की बात मैं समझ पाऊँ, सुन नहीं पाऊँगा, तो संबंध नहीं बन पाता है। बहुत से लोग तो दिखाई भी नहीं देते हैं, अब वो सोते हैं कि जागते हैं, टेढ़ा बैठे बेढ़ा बैठे कैसे करते हैं। जो दिखते हैं उनके आधार पर मैं कहता हूँ हाँ भाई ठीक ठाक होंगे अंदाज से, इस विश्वास के साथ। आप स्वयं अपने पर सावधान रहें, स्वयं अनुशासन करें, अपने ऊपर आत्मानुशासन करें, अच्छा रहेगा। ध्यान में तो सभी लोग प्रवेश करना चाहते हैं, ऐसा कोई है जो ध्यान में प्रवेश नहीं करना चाहता है? सभी लोग चाहते हैं और इसीलिए आए भी हैं। इस पर मेरा ये कहना है, इस समय हम ध्यान में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कौन सी बाधा है कि हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं? हमारे लिए कौन सी बाधा है, कौन बाधक बना हुआ है जिससे हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं? कौन विरोध कर रहा है ध्यान में प्रवेश करने के लिए? हम सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, कौन है वो? इस वक्त हम ध्यान में क्यों प्रवेश नहीं कर पाते? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कई बार, ताकि आपके मन में वो सवाल घर कर जाए। जरा पूछिए अपने आप से, और आप में से कोई आके बताना चाहे तो बताएं, आप क्यों नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं ध्यान में? कौन रोक रहा है आपको? किसी ने कहा मन रोक रहा है, वो मन किसका है? मेरा मन रोक रहा है कि आपका मन रोक रहा है कि मनमोहन सिंह का मन रोक रहा है? हाँ, आप ही तो हैं, आखिर में आप ही तो हैं। मन कोई दूसरे का है? सभी लोग समझ रहे हैं कि ध्यान में मैं स्वयं बाधा हूं। कौन बाधा है? आप ही तो बाधा हैं। और असली बात क्या है, ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी कमजोरी है ध्यान में न प्रवेश करने का, वो है कि हम ध्यान में प्रवेश करने का संकल्प ही नहीं लेते, संकल्प ही नहीं लेते। लेते तो हैं, लेकिन संकल्प लेने का मतलब है कि आप दुख और सुख दोनों को छोड़ देना चाहते हैं, दोनों नहीं चाहते, न दुख चाहते हैं न सुख चाहते हैं। सामान्य रूप से दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन सुख तो चाहते हैं ना, बस वही सबसे बड़ी बाधा है। दुख और सुख दोनों को जो छोड़ देता है, समझ लो ध्यान के लिए उन्हीं का संकल्प काम करता है। आप सभी ध्यान में बैठें, ध्यानस्थ हों, इस विषय पर फिर कहूँगा विस्तार से कि ये कौन कैसे रोक रहा है, ये संकल्प के अभाव में हम कैसे बाधक बने हुए हैं। सब लोग ध्यान की मुद्रा में बैठें, लेकिन एक सूत्र मैंने दिया अभी के लिए,
कि सचमुच हमारा संकल्प कैसे हमें रोक रहा है, हम ठीक से संकल्प क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो संकल्प लेना है ध्यान के लिए, लेकिन संकल्प लो जो हम लेते हैं ना, मन का जैसे कई लेयर होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा और समझ लें एक मिनट में। मन के कई लेयर होते हैं, जैसे उसको एक नंबर के हिसाब से बताऊं, क्योंकि यहाँ तो मैं बोर्ड के इसके माध्यम से हो कि बोर्डम खींच के बताऊं, चित्र ऐसा नहीं है। तो एक नंबर के हिसाब से बताऊं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 मान लें, 10। तो हम जो सोचते हैं निरंतर, जिसे हम लोग चेतन मन कहते हैं, वो केवल एक नंबर तक के हैं, और बाकी 9 जो नंबर हैं ना, वो अवचेतन मन है, वो नीचे है, और वहाँ तक आवाज़ कभी हमारी पहुँचती नहीं है, कभी संकल्प नहीं पहुँचता है। इसीलिए हमारा संकल्प कारगर नहीं होता है, और अंदर तक आवाज़ पहुँचे और वो अंदर पूरे हमारा सिस्टम झंकृत हो जाए, एकदम एक्टिव हो जाए बिल्कुल, वो कब होता है? वो जब होता है जब आप सचमुच संकल्प को इस प्रकंपन के साथ, इस भीतर में एक छटपटाहट जैसे हो ना, तब वो लेना पड़ेगा एकदम से। जैसे कोई उदाहरण आता है कि एक महात्मा से जब पूछा गया, तो उस साधक को पानी में ले जा करके डुबा दिया नदी में, और नहीं हटाया, और कई बार वो हटाना चाहा, लेकिन एक बार जोर से ताकत लगा के फेंक दिया उस महात्मा को, और कहा कि आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा, ये बात तो भूल जाओ, पहले ये बताओ कि अंदर जब थे पानी के, तो किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता लग रही थी? कि हवा की। उतनी ही छटपटाहट जब आपको ना ध्यान की और मोक्ष और कल्याण की हो जाएगी, तो काम बन जाएगा। ये छटपटाहट कहाँ है? ऐसे ही जब पूरा भीतर से जो हमारे रिजर्व फोर्स हैं भीतर, जिससे हम काम ही नहीं ले पा रहे हैं, वो भीतर जो छुपे हुई शक्ति है, वो जागृत कब होगी? जब आपका संकल्प का प्रहार होगा, चोट लगेगी। कैसे करना है इसको ही बता दूं थोड़ी, फिर आप लोग सब लोग संकल्प करें। आप अपनी श्वास को छोड़ें बाहर की ओर, सुन तो रहे हैं सब लोग, संकल्प का प्रयोग करना है, श्वास को बाहर फेंकना है, धीरे धीरे पूरी श्वास आप पूरी सांस फेंक दें, और साथ साथ क्या संकल्प करना है? मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। एक बार आप लोग थोड़ा से उच्चारण करके जरा इस शब्द को समझ लें, सब लोग उच्चारण करेंगे जो मैं फिर से पहली बार मैं कहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। ये अभी लेयर नंबर 1 है, समझ रहे हैं ना? एक नंबर से ऊपर ऊपर से कह रहे हैं ना, अभी एकदम ऊपर से, जैसे पानी बहुत गहरा हो और ऊपर से एक छोटा सा कंकड़ फेंक दे, तो कितनी दूर तक जाएगा? क्या वो कंकड़ से जो फेंकेंगे या कोई पत्ता फेंक दे, मान लो पत्ती गिराई पानी के ऊपर, और 50-100 फीट पानी है, वो पत्ती जब फेंकेंगे तो क्या अंदर का पानी हिलेगा? नहीं हिलेगा ना। तो अभी जो हम संकल्प कर रहे हैं वो एकदम ऊपरी लेयर पर है, अब इसको भीतरी लेयर तक पहुंचाना है। तो कैसे करना है? जैसे मैंने कहा, श्वास को आप बाहर फेंकें, और ये संकल्प मन में दोहराते रहें, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। और फिर क्या करना है? जब आप पूरी तरह फेंक दें एकदम, और लेना ऐसा लगे कि अब छटपटाहट हो जाएगी बिल्कुल आकुल व्याकुल, और उस समय भी संकल्प लें कि मैं संकल्प लेता हूँ, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, तो फिर जब छटपटाएंगे ना भीतर से, तो अंदर जो शक्ति जो सुप्त है एकदम एकदम शिथिल, जिसको हमने कभी जगाया ही नहीं है, वो एकदम जैसे प्रकंपित हो जाएगी और हिल जाएंगे। तब कहेंगे, लगता है कुछ कहा जा रहा है अब मेरे लिए, मैं कुछ सहयोग करूं इनका,
और वो एक्टिव होकर के फिर आपका सहयोग करने लगेंगे। और इसी प्रकार से जब आप भीतर श्वास लें, गहरी श्वास, और लेते जाएं और छोड़े ना, तब आपको लगे उफ अब तो मर ही जाऊंगा, और संकल्प लेते रहें। और जब अंतिम जो होगा ना संकल्प, जिस समय आपको भीतर आकुलता व्याकुलता हो जाएगी, वो संकल्प आपके भीतर के जो प्रसुप्त अवयव हैं, जो आपके लिए आध्यात्मिक सहयोग कर सकते हैं, साधना में जो सहयोगी हैं, जिसको आज तक हमने जगाया ही नहीं, जैसे रिजर्व पुलिस आप लोग देखे हैं ना, कई लोग लिखा रहता है, वो ऐसा नहीं चाहते जगह जगह, कब जब इमरजेंसी में स्पेशल जब जरूरत पड़े तब उसको बुलाते हैं, ऐसे ही वो स्पेशल वर्क इस समय आ गया है ध्यान के लिए, तो उसको अब जगाना है, जिसको हमने आज तक जगाया ही नहीं है, शांत है वो। तो अब इस प्रकार श्वास लेना है, कम से कम 3 बार करें ये काम, अपने आप करें, सब लोग शुरू कर लें, और संकल्प के भाव मन में हो कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है ऐसा करना, नहीं तो फिर बैठे रहते हैं, कई लोग नींद में झूम झाम करते रहते हैं, कोई विवोच नहीं उसके लिए, चेतना ही नहीं है, संवेदनहीन काम कैसे बनेगा इससे। हाँ, ध्यान की मुद्रा में पहले सब लोग बैठे हैं, इधर उधर न देखें, आंखें बंद करें, मेरी बातों को सुना करें, इधर उधर बाहर खिड़की की ओर झांकने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान की मुद्रा में बैठें और 3 बार गहरी सांस लें और 3 बार छोड़ें, मतलब ये लें और संकल्प दोहराते रहें मन में, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, बिल्कुल होशली एकदम, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। 3 बार जब बाहर छोड़ें, तब इसके पश्चात जब 3 बार अंदर 3 बार बाहर कर लें, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, कोई ढीले ढाले न बोलें, अंदर में आवाज़ जब करें आप ही सुने, हमको सुनना नहीं है, आपको भीतर वाले को सुनाना है, और इतनी गंभीरता से हो, इतनी चोट हो उसमें, उस प्रहार हो एकदम जोर से, ताकि भीतर हिल जाए और आपके सहयोग में लग जाए। उसके पश्चात साधना का क्रम जारी रखें, जो साधना बताई गई है वो साधना आप जारी रखें, शुरुआत करें इस संकल्प भाव के साथ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। सतत सावधान, कोई निंद्रा और तंद्रा के अधीन ना हो, जिस काम के लिए बैठे हैं केवल वही काम करें, इधर उधर विचारों में न उलझे रहें, भूल हो जाती है, फिर लौट कर आएँ, फिर वही काम करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं यहाँ, और वह भी केवल आपको केवल सावधानी से जो हो रहा है उसको देखना है, शांत बैठना है। कौन सी मेहनत है कि आपकी देह में दर्द है, कमर में दर्द हो गया, घुटने परेशान हो रहे हैं, देह टूटी जा रही है, अरे बड़ा रिलैक्स होकर आराम से बैठे हैं, सांस आ रही है जा रही है, इसी को तो होशपूर्वक देखना है, आप घबराए ना, हो जाएगा, ये प्रारंभिक अवस्था है, इसलिए ये सब होता है, धीरे धीरे सब बढ़िया हो जाएगा, आप करते जाएं, ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, इस संकल्प भाव के साथ शुरू किए हैं, और श्वास को देखना है, सांस आ रही है जा रही है, सांस अंदर जाए आपका ध्यान भी अंदर जाए, सांस बाहर आए ध्यान भी बाहर आए, बिल्कुल एक भी सांस न छूटे, देखते जाएं, छूट जाए फिर आ जाए वापस, फिर आ जाए। रास्ता यदि कोई भूल जाए, भटक कर दूसरे रास्ते में चला जाए, तो इसका अर्थ थोड़े कि वो भटके हुए रास्ते में चलते जाएं, जब पता चल जाए तो फिर उसी रास्ते में चले जो आपको मंजिल की ओर ले जाने वाला है, फिर आ जाए,
हमारी विशेषता होगी कि हम फिर से अपने रास्ते में आ जाएं। भूल आपका सहारा नहीं बनेगी, सही रास्ता ही, सावधानी ही सहारा बनेगी। ध्यान के लिए बोलना जरूरी नहीं है, ध्यान में मौन की जरूरत है। ध्यान में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान से आप पार हो जाते हैं तो ध्यान में प्रवेश करते हैं। सद्गुरु ने कहा है, सर्वगुण की करी सेवा, निर्गुण का करु ज्ञान, सर्वगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा, सगुण का मतलब जो प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं वो सगुण हैं, उनकी सेवा, सेवा का मतलब उनके साथ अच्छा बर्ताव। निर्गुण आत्मा है, उसका ज्ञान करो, और ध्यान दोनों से परे, सर्वगुण निर्गुण से परे पार हो जाएंगे तब ध्यान। मतलब ध्यान में सेवा भी नहीं और ज्ञान भी नहीं, बिल्कुल अलग। लेकिन शिविर की जहाँ तक बात है, ध्यान शिविर का प्रसंग है, वहाँ ध्यान और ज्ञान दोनों साथ साथ चलना चाहिए। दो दो घंटे के सत्र चार बार होते हैं, आठ घंटे पूरे दिन में आप यहाँ रहते हैं और कुछ न बोला जाए और पूरा आठ घंटे ध्यान करने के लिए कहा जाए, तो फिर डॉक्टर के पास भीड़ ज़्यादा लग जाएगी, सिर दर्द हो रहा है, गोली दे दो, आपका सिर बोझिल हो जाएगा और इतना किया नहीं जा सकता है। इसलिए ज्ञान भी चाहिए। और ध्यान का अर्थ इतना ही नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं और मन निर्विचार अवस्था में पहुंच जाए, इतना ही नहीं है अर्थ ध्यान का। गुरुदेव जी कहा करते थे, ध्यान का फल है मन का विवेक में ढल जाना, मन का विवेक में ढल जाना, अर्थात मन में विवेक इतना जागृत हो जाए कि कोई भी काम हम करें वहाँ ध्यान हो। मतलब कोई भी काम जब हम करते हैं तो पूरी सावधानी, सजगता और समर्पण भाव से, वो ध्यान ही है। सद्गुरु ने कहा है कि जहाँ जहाँ जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। ये एक प्रकार से हमारे जीवन के सभी पार्श्व, सभी पहलू, सारे क्रियाकलाप को व्यवस्थित और संयमित करने का ढंग आ जाए। मतलब ध्यान कुछ देर बैठ के करना नहीं है, वो तो करना है, लेकिन हमारे समग्र जीवन का दर्शन हो जाए, हमारे समग्र जीवन का दर्शन हो जाए, जीवन की समग्रता को देखें। जैसे केवल भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, जीवन कैसे चलता है, उत्तर आ सकता है भोजन से, नहीं, भोजन से, भोजन करने से ही नहीं चलता है, ये ठीक है, आधा सत्य है, लेकिन भोजन न करने से भी चलता है। आप केवल भोजन करते जाएं, भोजन करते जाएं, काम चलेगा? कुछ समय भोजन करते हैं और बहुत समय जब नहीं करते हैं और दोनों का तालमेल होता है तो जीवन चलता है। नींद आवश्यक है, इसका मतलब
नींद लेते ही रह जाएं। केवल नींद ही पर्याप्त नहीं है, नींद लें और नींद न भी लें, जागें। और जागना ही पर्याप्त नहीं है, नींद भी चाहिए। काम आवश्यक है, काम करो, लेकिन केवल काम करते रह जाओगे, थक जाओगे। इसलिए विश्राम, तो किसी एक बात को हम ना ले लें कि ये ही चाहिए बस, वह भी चाहिए जिसके महत्व को हम नहीं समझ पा रहे हैं। श्वास लेते हैं, लेते रहें, लेते रहें, प्राण है, प्राणवायु चाहिए ही, लेते रहें, हो गए काम। छोड़ें भी ना, छोड़ना भी तो पड़ेगा। इसलिए ज्ञान और ध्यान, मैं कह रहा था कि जीवन का समग्र दर्शन, जीवन की समग्रता को हम समझें। जीवन संपूर्ण रूप से जब हम उसको समझते हैं तो ही जीवन को हम समझ पाते हैं। किसी एक भाग में आप बहुत उन्नति कर लिए, दूसरा भाग में बहुत पीछे हैं, तो काम नहीं चलेगा। आपको संतुलन बनाए रखना होगा। तो ज्ञान भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, और इस ज्ञान के माध्यम से हम जीवन की समग्रता को समझते हैं। हमारे जीवन के कई पहल हैं और सारे पहलों को सुंदर, मजबूत और सही ढंग से लगाने के लिए, काम में लेने के लिए ये ज्ञान की आवश्यकता है। वैसे ज्ञान और ध्यान कोई अलग अलग नहीं है, इस चीज़ को भी समझ लें। थोड़ा सा एक दूसरा पक्ष कह रहा हूँ, ज्ञान और ध्यान ये कोई अलग अलग नहीं है, ज्ञान ही ध्यान है। क्या ज्ञान के बिना ध्यान संभव है, और क्या ध्यान के बिना ज्ञान संभव है? इसको इस ढंग से मैं कहूँ, जैसे एक पानी, पानी हो तो पानी तरल होता है, छोड़ दो ढाल में बहने लगेगा। तो ज्ञान तरल है, प्रवाहमान है। जो मैं बोलता हूँ ज्ञान, आप भी ज्ञान जो मन में सोचते हो क्या है, वो प्रवाहमान है, बहता है। लेकिन उसी पानी को आप जमा दें और पानी बर्फ बन गया। पानी तो है ना, बर्फ क्या है, पानी ही तो है। और पानी को आप बर्फ बना दिए, फिर वो क्या हुआ, अब वो बहेगा नहीं, जम गया, थक्का हो गया, एकदम ठोस, एक जगह रुक गया। तो वह ज्ञान जो स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, वो ध्यान। और जब वो बहने लगे तो वो ज्ञान। तो क्या करना है, शांत और स्थिर, मतलब हमारे ज्ञान प्रवाहमान न हो, बहे ना, शांत, वो ध्यान है। लेकिन इतना ही तो काम नहीं है, ज्ञान को प्रवाहित भी करना पड़ेगा, तो दोनों की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है, ध्यान के साथ साथ ज्ञान भी चले, दोनों का संतुलन होता है तो ही हम इस शिविर में लंबे समय तक रह सकते हैं। जहाँ तक आप घर में करना चाहेंगे उस समय इसकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो यहाँ ट्रेनिंग लेने की बात है, प्रशिक्षण की बात है, कि हम थोड़ा सीख लें, थोड़ा वानगी ले लें, और कैसे बैठना है, और ध्यान के समय क्या क्या करना है, ये सब बातें थोड़ा सीख लेते हैं, एक वानगी ले लेते हैं, और यहाँ से जा कर के फिर अभ्यास को जारी रखते हैं। ये नहीं है कि 7 दिन किए बस हो गया, अब फिर साल भर के बाद फिर आए, शायद ध्यान शिविर में सम्मिलित होना है, इतना लंबा स्पेस देंगे, क्रम ही नहीं बनेगा। क्रम कैसे बनेगा, जैसे एक जंजीर हो, ख्याल करिए, तो जंजीर का मतलब क्या है, कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, तभी तो काम की है ना। और एक कड़ी मैं बैठा हूँ वहाँ, और एक कड़ी एकदम उस दीवार तक, बीच में इतना लंबा स्पेस, तो जंजीर कैसे, तो कड़ी तो जुड़ी हुई हो, रोज रोज की क्रम हो तो बनेगा काम। तो ये एक प्रशिक्षण है, यहाँ लेना है।
और ध्यान से मैंने कहा यह समग्र जीवन का दर्शन है, इसका कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं आप। ये कहानी मैं कई बार कहा हूँ आप लोगों के बीच, फिर से दोहराऊँ। एक सन्यासी की कुटिया में चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया, जज के सामने लाया गया, सन्यासी को बुलाया गया, पूछा जज ने कि बताओ, सन्यासी से पूछा बताओ क्या क्या चोरी हुई है तुम्हारी कुटिया से। तो उन्होंने कहा कि सरकार मेरा तो सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया, मेरा बिस्तर, मेरी चादर, मेरा तकिया, क्या बचा, सब कुछ तो लूट गया, सब चुरा ले गया। बीच में ही चोर बोल पड़ा, हुजूर ये सन्यासी झूठ बोल रहा है, मैंने तो केवल एक कम्बल चुराया है। तो सन्यासी कहता है हुजूर कम्बल ही मेरा बिछौना था, कम्बल ही मेरा ओढ़ना था, और कम्बल ही मेरा तकिया था, सब कुछ तो था कम्बल मेरा, और कम्बल चला गया तो सर्वस्व तो लूट ही गया। कहने का मतलब है कि सन्यासी का सब कुछ क्या था, कम्बल। हमारा सब कुछ क्या बन जाए, ध्यान। ध्यान को आप खाने में केंद्रित कर लें, ध्यान को आप बोलने में केंद्रित कर लें, ध्यान को आप चलने में केंद्रित कर लें, ध्यान को आप काम करने में केंद्रित कर लें, ध्यान को आप पढ़ने में केंद्रित कर लें, किसी भी जगह आप केंद्रित करके उसका लाभ पा सकते हैं। और ध्यान नहीं होगा, आपके कर्मों के साथ ध्यान नहीं जुड़ा होगा, तो वह कर्म सही परिणाम नहीं लाएगा, सही परिणाम नहीं लाएगा। और यदि परिणाम आ भी जाएगा तो आपको उसकी संतुष्टि की अनुभूति नहीं होगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपको उस कार्य के संपादन के बाद जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो संतुष्टि की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि आप उसके प्रति न ध्यान दिया, न प्रेम किया, न लगन लगाया, न समर्पण भाव है, वो फायदा नहीं करेगा। फिर वो काम हो भी जाएगा फिर भी फायदा नहीं करेगा। भोजन बना तो देंगे और उसके प्रति प्रेम नहीं है, मन नहीं है, ध्यान नहीं है, तो भोजन तो यंत्रवत आप बना के रख देंगे लेकिन भोजन बनाने की जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। कब होगा, जब आप ध्यान पूर्वक करते हैं काम को। जब आप, हम सब चलते हैं ना, चलते तो हैं लेकिन बेहोशी में, एक आदतवश, कदम बढ़ाने की आदत है, बस वैसे चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन वह चलना भी ध्यान कब हो जाएगा, जब हम चलने में ध्यान केंद्रित करें, ख्याल रखें कि मैं चल रहा हूँ, कदम बढ़ा रहा हूँ, तो वो जो गमन है, वो जो चलना है, वह भी हो जाएगा ध्यान। उसको कहते हैं गमन योग, एक शब्द आता है गमन योग, योग को कहाँ जोड़ दिया, गमन में, तो गमन योग है, वो ध्यान ही है। खाते समय ध्यान, बिल्कुल खाते समय ध्यान का मतलब है, ये बहुत फायदेमंद है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। मैं स्वयं कई बार इसका अनुभव करता हूँ कि कई बार भटक जाता है, खा रहे हैं बस दूसरी बात सोचने लग गए, बाजू वाले से बात करने लग गए। यह सावधानी है, अभी हम सब में है, करना क्या है, जब हम खाने लगे तो स्वाद का अनुभव करें, स्वाद का अनुभव करें, उसकी जो भोजन से जो गंध आ रही है, जो उसमें से स्मेल आ रहा है, जो भी सुगंध है, उसका आप महसूस करें, साथ साथ में उस कुछ चबा रहे हैं ना, तो चबाते समय जो आवाज़ निकल रही है उसको भी आप सुने, और देखें कि आप थोड़ा देर तक चबाएं, तो मैं तो पढ़ाऊँ कि ये बहुत लाभ करता है। मैं स्वयं नहीं कर पाता हूँ इसको पूरे ढंग से, बता जरूर रहा हूँ, लेकिन इसीलिए बता रहा हूँ कि जितना आप लोग सुन ले तो मेरा भीतर वाला भी सुन ले। मेरा कहने का अर्थ यही है कि जो मैं बोलता हूँ केवल आप लोगों के लिए नहीं बोलता हूँ, अपने लिए भी बोलता हूँ। कैसे, जैसे दीप देहरी न्याय, संस्कृत में एक कहावत है इसके लिए, दीप देहरी न्याय, देहरी में
अर्थात जहाँ फाटक है, चौखट है, वहाँ पर एक दीप जला दें अंधकार में, तो उसका प्रकाश बाहर भी जाएगा और अंदर भी आएगा। तो जो मैं बोलता हूँ केवल आप लोग नहीं सुनते, मेरा भीतर वाला भी तो सुनता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में घटित हो जाए। हम सबको ये करना है तो ही ध्यान का फल होता है। मैं कह रहा था ज्ञान और ध्यान, इसकी आवश्यकता है। ध्यान हमारे समग्र जीवन का दर्शन हो जाए, सब जगह जीवन में लागू कर ले ध्यान को, बड़ा फायदा करेगा ये। इसलिए तो कहते हैं, माता पिता कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ये क्या है ध्यान से पढ़ो? अरे पढ़ तो रहे हैं, आप क्यों बार बार ध्यान से पढ़ो कहते हो? पढ़ना और ध्यान से पढ़ना दोनों मंत्र है ना, पढ़ना और ध्यान से पढ़ना दोनों मंत्र है। आप क्या चाहेंगे? ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने का अर्थ है वो भीतर प्रवेश करता जाए। अब पढ़ने में पन्ना पलट रहे हैं, पलट रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। टाइम तो हो गया क्या? थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान में बैठे फिर बात करेंगे। ध्यानस्थ हों सब लोग, थोड़ी देर ध्यान करें, थक जाएंगे तो मैं खुद बताऊंगा, आप लोग थक गए हैं, और मैं थोड़ा फिर दूसरे विषय पर बोलूंगा। ये पीरियड ऐसा है जिसमें जल्दी लोग थक जाते हैं और झूमने लगते हैं। बंद कर दें लाइट। पुनः ध्यानस्थ हो जाएं सभी साधक साधिकाएं, ध्यान में लीन हो जाएं। बढ़िया अवसर मिला है, देखो तो प्रकृति को, मानो इंतजार कर रही थी कि ध्यान शिविर प्रारंभ हो और मैं इनके लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करूं। बढ़िया अवसर है, इतना सुंदर, चारों तरफ से सन्नाटा, मस्त अपने आप में लीन, ध्यानस्थ हों। सांस आ रही है, जा रही है, पूरा ध्यान केंद्रित हो, अन्यत्र ध्यान न दें, किसी की याद न करें, कोई अपना नहीं, सब पर हैं, सब आपसे अलग हैं। चाहे जितना आपका प्रेमी हो, वह आपसे अलग है। चाहे जितना नज़दीकी हो, वह आपसे अलग है। सारी वस्तुएं आपसे अलग हैं, कोई भी वस्तु आपकी नहीं है, सब छूटने वाली है, सब छूटने वाली है। और ध्यान के समय उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों जप रहे हैं उसको बार बार, कोई आवश्यकता नहीं है। कह दो मुझे ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी, मत आओ मेरे सामने, आप अपने आप में रहें। कितना बढ़िया लगता है, शांत मन, न किसी से मिलना है, न जुलना है, न देखना है, न सुनना है, न खाना है, न पीना है, कुछ भी नहीं। बढ़िया अवसर, अपने आप में लीनता, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। काम करने में परिश्रम है, और काम न करने में कौन परिश्रम है? शांत रहें बस, और सांस के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। क्या बड़ी मेहनत कर रहे हैं तब सांस आ रही है? कुछ नहीं, सांस आ रही है, जा रही है, सावधानी से देख रहे हैं, हाँ सांस आ रही है, सचमुच आ रही है। इसलिए शांत बिल्कुल। ध्यान करते करते लोग जल्दी थक जाते हैं, कुछ लोग झूमने लगते हैं, ये केवल अभ्यास का अभाव है।
ऐसा ना समझें कि जैसा कहा जा रहा है कि श्वास को देखो श्वास को देखो, हम तो बार बार भटक जाते हैं, क्या करें। अरे भटक जाते हैं तो क्या हो गया, कौन से उसके लिए अब उसको एटम बम गिर गया। यहाँ सब लोग भटक रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, इसलिए घबराइए बिल्कुल मत। साहब ने, गुरुदेव जी कहा करते थे, केकर केकर लीजे नाव कथरी ओढ़े सगरो गाँव। मतलब कोई कथरी तो बिछाने की चीज़ है, गुदड़ी, और सब ओढ़ लें तो किसका किसका, पूरे गांव के लोग ओढ़ लें तब। ऐसे ही यहाँ सब बैठे लोगों की दशा वही है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भटकते ही रहें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब है कि यदि ऐसा हो तो फिर से आप अपने आप में स्थापित हो, किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर और, अब चूंकि लोगों को देखता हूँ कि मन नहीं लग रहा है, झूम रहे हैं, इसलिए फिर से कह देता हूँ, फिर थोड़ा से अंतिम में ध्यान करके फिर प्रस्थान करेंगे। ध्यान में मन पर ही सारा काम होता है, ध्यान मन की ही साधना है, संपूर्ण साधना किसकी है, मन की। मन को ही समझाना बुझाना ठीक ठाक करना, और सबसे अद्भुत बात यह है कि मन से हम सोच के आए हैं कि चलो ध्यान में बैठेंगे। एक समस्या हमारे लिए क्या होती है मैं बता देता हूँ पहले। मन से क्या कहे हैं हमने, क्या कहा है, मन में सोचे कि चलो ध्यान शिविर में जाना है, मन कहा कि ठीक है चलो ध्यान शिविर में। अब यहाँ बैठकर कहते हैं अब तुम भगो यहाँ से, मन क्या कहता है, अरे मैं ही तो लाया हूँ तुमको यहाँ और मुझे ही भगा रहे हो। अब वो भी भगने वाला नहीं है, जो मन आपको सहयोग करके यहाँ तक लाया और अब आप कहते हैं हटो यहाँ से, इतना जल्दी नहीं हटेगा वो, बड़ा जिद्दी हो गया है, बहुत लंबे समय से उनको खुराक दे रहे हैं तो बड़ा जिद्दी हो गया है। तो उसको थोड़ा से पुचकार कर संभाल कर थोड़ा से उसको कुछ समझा बुझा करके अलग करना होता है। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते एक नई आदत की स्थापना करनी होती है, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो ये कहना चाहता था कि मन की ही साधना है ध्यान, और मन अनुभव का द्वार है। सारा अनुभव आप जो करते हैं, दुख सुख राग द्वेष हानि लाभ, जो भी आप अनुभव करते हैं वो किससे करते हैं, मन से। मन न हो तो आप अनुभव नहीं करेंगे। यहाँ तक आप देखते हैं लेकिन तब तक उस देखने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है जब तक मन न हो। सुनते हैं लेकिन सुनने की प्रक्रिया पूर्ण तब होगी जब आपका मन हो। यदि सीधे शब्दों में कहूँ तो मन मीडिएटर है, आपको और जगत को जोड़ने वाला कौन है, मन, वो जोड़ता है आपको। मन बीच में ना हो तो इंद्रियों के सारे व्यवहार आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, कोई व्यवहार ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये आश्रम में रहते रहते हम लोगों को अनेकों बार अनुभव होता है, बिल्कुल बाजू कमरे में बैठे रहते हैं, घंटी लग जाती है और बी ब्लॉक के संतजन आ जाते हैं बंदगी में और दूसरे संत से हम बात कर रहे हैं, तो फिर क्या बंदगी घंटी लग गई, हाँ लग गई, वहीं बाजू में बैठे नहीं सुन पाए, दूर वाले सुन के आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि घंटी की आवाज़ नहीं गई, गई, लेकिन मन अनवस्थान था, दूसरे काम में मशगूल था, इसलिए वो आवाज़ को भी सुन नहीं पाया। ये तो कई बार का अनुभव आप लोगों का भी होगा, भोजन करने बैठे और भोजन कर लिए, काफ़ी भोजन कर लिए, तो गृह देवी पूछती है अच्छा सब्जी में नमक कैसा है, अरे भाई अच्छा खा के बताता हूँ, तो फिर से खाए। तो अभी तक कहाँ थे आप, अनुपस्थित थे ना, अब अभी तक नहीं खा रहे थे क्या, अब खा के बताने की बात आ गई, इसका मतलब मन नहीं था। तो
आपके लिए मन की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, ये अनुभव का द्वार है। लेकिन हम मन से कौन सा अनुभव चाहते हैं? सुख और शांति का, दुख और अशांति का, क्लेश का अनुभव नहीं चाहते, सुख का अनुभव चाहते हैं, शांति का अनुभव कर चाहते हैं, शीतलता का अनुभव चाहते हैं। तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, जैसे ये खिड़की है, आपके घर में खिड़की लगी होगी, तो कभी कभी गर्मी के मौसम में आप कूलर लगा देते हैं, उसी खिड़की से गर्म हवा आती है और उसी खिड़की से अब ठंडी हवाने लग गई। खिड़की में आप कूलर लगा दें चाहे हीटर लगा दें तो क्या होगा? हीटर लगाएंगे तो गर्म हवा आ रही है, कूलर लगा देंगे ठंडी हवा आ रही है। लेकिन वो रास्ता कौन सा है? वही खिड़की है। आप स्थापित करिए क्या चाहते हैं। तो रास्ता वही है मन, और मन की शांति है तो फिर, मन का आनंद है तो फिर सब कुछ का सुख है आपको, सब कुछ का आपको अच्छा अनुभव होगा। यदि मन अशांत है, पीड़ित है, दुखी है, तो फिर तो भी आप अनुभव करेंगे लेकिन अच्छा अनुभव नहीं करेंगे, उस समय आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, ये नियम है। यहाँ तक मैं बहुत थोड़े में बताना चाहूँगा इस प्रसंग को, यहाँ तक आप संसार का भी सुख चाहते हैं ना, छोड़िए सत्य की बात, मोक्ष की बात, आप संसार का भी सुख चाहते हैं तो भी आपके मन की प्रसन्नता आवश्यक है, मन की शांति आवश्यक है। ध्यान कितना महत्वपूर्ण है इसको मैं बताना चाहता हूँ जीवन के लिए। यदि आप चाहते हैं कि घर परिवार का सुख मिले, कब मिलेगा? आप दोनों ढंग से देख सकते हैं। क्या आप अप्रसन्न होंगे तब? क्या आप नाराज होंगे तब? क्या आप अशांत होंगे तब? नहीं। अशांत होने पर, जब आपका मन नाराज और अशांत और दुखी है, तो घर से आपको सुख नहीं मिलता है। लोग क्या कहते हैं, एक घर क्या है? जेल खाना है, जेल खाना। महसूस कई लोग, आप लोग सब करते होंगे, मैं अकेला ही नहीं, सब लोग करते होंगे। कई बार आपको घर आपका जेल खाना लगता होगा, काटने दौड़ता है ये घर। और घर के लोग, जब आप नाराज हैं, अशांत हैं, तब आप घर वाले कैसे लगते हैं आपको? घर वाले क्या हैं? दुश्मन हैं, दुश्मन परेशान कर रहे हैं हमको। और सारी मित्र मंडली आपको दुश्मनी लगेगी, और कुछ नहीं है, सब ठीक है, वे लोग बस आपका मन अशांत है, आप नाराज हैं, बस इतनी सी बात है। आपको काम में भी मन नहीं लगता है, काम करने का मन ही नहीं लगता है, क्यों? अशांत हैं, नाराज हैं। भोजन में भी मन नहीं लगता है, घर में कहा गया चलो भोजन कर लो, आज मेरा भोजन करने का मन नहीं है। अरे भूख तो लगे, क्यों नहीं है? चूंकि अशांत हैं, दुखी हैं, डिप्रेस हैं, इतनी सी बात है। तो जब आप अशांत होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तो संसार का भी सुख नहीं मिलता है। मैंने कहा ना, न घर का सुख मिलेगा, न परिवार का सुख मिलेगा, न मोटर गाड़ी का सुख मिलेगा, न काम का सुख मिलेगा, न भोजन का सुख मिलेगा। आपको बढ़िया कपड़ा भी पहना दिया जाए ना, बढ़िया एकदम, आप जो चाहते हैं वो सूट आपको दे दिया जाए, और अब भीतर से नाराज हों, तो आप कहेंगे फाड़ के फेंको इसको, लाओ पुराना वाला, मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो आप यदि प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, खुश हैं, तो घर अच्छा लगता है। अरे घर क्या है? हमारा घर है ये, बढ़िया लगता है, घर से सुख मिलता है। परिवार वाले, अरे वाह क्या पूछना है, सबसे मुस्कुरा के बोलेंगे, हंस के बोलेंगे, प्रेम से व्यवहार करेंगे, बढ़िया लगता है, सब अच्छे लगते हैं, क्यों? आप प्रसन्न हैं, बस इतनी सी बात है, आप आनंदित हैं। काम में दुगुना मन लगता है। आप कभी ख्याल कर किए होंगे, जिस दिन आप नाराज होते हैं उस दिन के काम को तौलिए, और जब प्रसन्न होकर कोई काम करते हैं तब आप डेढ़ा कर सकते हैं, और करते होंगे, और आपको थकावट भी नहीं लगती होगी, ये सबसे बड़ी बात है।
आप थकते कब हैं? जब आपका मन परेशान रहता है तब आप जल्दी थक जाते हैं, और जब मन प्रसन्न होता है तब थकते नहीं हैं फिर तो। अरे और कर ले थोड़ा सा, और कर ले, बहुत खुश रहते हैं। मन की प्रसन्नता में आपको कष्ट कष्ट नहीं लगता है। गुरुदेव जी बताया करते थे, जैसे एक दुकानदार है, ग्राहक खूब खड़े हैं और सौदा दे रहा है, बेच रहा है, और बड़ा खुश है वो, ग्राहक पर ग्राहक लगे, लगातार बेच रहा है, और टिफिन में भोजन पैक है, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गया, फुर्सत ही नहीं खाने का। कहा करें फुर्सत ही नहीं है, लेकिन बड़ा खुश है वो, भले भोजन करने का अवसर नहीं मिल रहा है लेकिन इतना खुश है, आज बिक्री अच्छी हो रही है। देखिए वो कष्ट भी कष्ट नहीं लग रहा है। किसान बढ़िया फसल एकदम जैसा वो चाहिए वैसी फसल है, काटने गया, बड़ी धूप है, अब काटते समय हाथ पैर में कीड़े चढ़ रहे हैं और बड़ा कष्ट है, लेकिन क्या वो फसल काटते समय उसको कष्ट लगता है? अरे वाह, इस साल तो फसल ही क्या गजब का है, बड़ा अन्न है इस साल। वो कष्ट भी कष्ट अनुभव नहीं होता है, चूंकि उससे उसको आनंद आ रहा है। तो मैं कह रहा था जब आप प्रसन्न होते हैं तो काम ज़्यादा करते हैं, भोजन में भी आनंद आता है। ये कितना महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को देखिए आप। सूत्र यह है, यदि आप संसार का भी सुख चाहते हैं, सत्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये बात तो सच है कि मन की शांति होती है तो आप संसार का भी सुख पाते हैं और सत्य का भी अनुभव करते हैं। सत्य का भी अनुभव करना चाहें तो नाराज होकर के नहीं कर सकते हैं, अब प्रसन्न होकर नहीं कर सकते हैं, प्रसन्न होकर के और शांत होकर के आप सत्य का अनुभव करते हैं। इसलिए या आप प्रयास करिए इसके लिए, मन की शांति, मन की शांति। एक उदाहरण बताऊं, ये उदाहरण मुझे बहुत प्रिय है, जब से पढ़ा हूं मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका लोगों को, यहाँ भी ख्याल आ गया इस प्रसंग में बताऊं। एक बड़ा सा मेला था, बहुत बड़ा मेला, भीड़ थी बहुत, सब प्रकार के सामान बिकने आए थे। एक माँ अपने छोटे बच्चे को मेला दिखाने के लिए ले गई, बच्चा छोटा था, छोटा का मतलब थोड़ा बहुत चल लेता था, ऐसा नहीं कि एकदम छोटा था। बच्चे का काम सब जानते हैं, बच्चे का स्वभाव सब जानते हैं। जैसे मेला में गया, एक खिलौना देखा, बच्चे ने कहा, माँ से आग्रह किया, माँ खिलौना ले दो मेरे लिए, खिलौना ले दो। शायद आप लोग आप सब भी ऐसी कहिए होंगे, तो बार बार कहे। माँ गरीब थी, उनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, पैसा तो था नहीं, तो क्या कहती है, बेटा यहाँ के खिलौना नकली होता है, नकली, यहाँ नहीं खरीदेंगे, वहाँ खरीदेंगे, चलो। बच्चा चुप, फिर आगे गया, मिठाई देखा कि माँ माँ मिठाई खरीद दो मेरे लिए। उन्होंने कहा नहीं बेटा, यहाँ की मिठाई नकली होती है, ठीक नहीं बनाते यहाँ के लोग, वहाँ चल के खरीदेंगे। बहुत परेशान, बार बार वो रोता था, परेशान करता था। उन लोगों के पीछे एक धनी आदमी आ रहा था, काफ़ी देर से देख रहा था, धनी आदमी काफ़ी देर से, माँ और बेटे की वार्ता, उनके क्रियाकलाप को। और वो धनी आदमी कैसा था, निसंतान, पुत्रहीन, कोई बच्चा नहीं था। उसके मन में वात्सल्य उमड़ा, एक स्नेह, एक प्रेम भाव कि बच्चे के लिए मैं ही खरीद दूँ, खिलौना खरीद दूँ, मिठाई खरीद दूँ, ऐसा सोच के आगे बढ़ा। लेकिन उसके मन में आया कि वह युवती है, बच्चे की माँ युवती है, और बच्चे के लिए मैं कोई सामान खरीदूँ, कोई वस्तु दूँ, तो फिर उसके मन में संदेह हो सकता है कि बच्चे के प्रति प्रेम क्यों, इरादा क्या है इसका, गलत इरादा मान सकता है। ऐसा सोच के वो धनी आदमी पीछे हो गया, नहीं ठीक नहीं है बच्चे के लिए कुछ खरीदना, माँ के प्रति उसके माँ, उसकी माँ के मन में कुछ और बात आ सकती है, ठिठक गया। इतने में क्या हुआ, एक धक्का मुक्की, बड़ी भीड़ हो गई, इतनी धक्का मुक्की, माँ अलग, बच्चा अलग, दोनों अलग अलग,
दोनों अलग अलग हो गए और बच्चा रोने लगा। इतने में उस धनी आदमी को अवसर मिल गया, बच्चा को गोद में उठाया और बड़ा स्नेह और प्रेम पूर्वक कहता है, बेटा रो मत, तुम्हें खिलौना चाहिए ना, मैं खरीदूंगा, जो खिलौना कहो मैं खरीदूंगा, बिल्कुल जो मिठाई कहो मैं खरीदूंगा, चलो मेरे साथ, तुम रो मत। बच्चा रोते रोते क्या कहता है, नहीं अब मुझे खिलौना नहीं चाहिए, अब मुझे माँ चाहिए। क्या कहता है, अब मुझे माँ चाहिए। बंधुओं, माँ है ना तभी खिलौने का आनंद है, माँ है तो मिठाई का आनंद है, और माँ नहीं है तो खिलौनों का कौन आनंद है। ऐसे ही मन में शांति है ना तो ही घर का सुख है, मन में शांति है ना तो ही परिवार का सुख है, और मन में शांति है तो सब कुछ का आनंद आपको मिलेगा, और मन में ही शांति नहीं है शब्दों कौड़ी का है। इसलिए इस शांति को अर्जित करें, बेहद महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा उदाहरण पढ़ा, यही माँ के संबंध में, अभी रोने की बात आ रही थी ना, रो लो ऐसा कह के तो बात याद आ गई। एक छोटा बच्चा था, वो घर में था, एक बड़ा ज्ञानी आदमी और बड़ा समझदार एक घर में था, तो घर में ही उस घर में छोटे बच्चे को छोड़ दिया और माता पिता किसी काम से चले गए, बाजार चले गए। छोटा बच्चा था और उनके पास वो खेल रहा था, और कहा कि हम लोग जा रहे हैं, बच्चा है थोड़ी देर में आ जाएंगे। बच्चा खेलते खेलते इधर गया उधर गया, तो एक 4-5 फीट की एक दीवार थी उसमें वो चढ़ गया, कुतूहलवश बच्चा, और चढ़ा और पता नहीं क्या फिसला क्या है, धम्म से नीचे गिर गया, और ये बैठे अपना पढ़ रहे थे। जब वो गिरा तो फिर ये आदमी जो बैठा था वो उधर देखा ही नहीं, जैसे कुछ हुआ नहीं, और वो शायद इधर देखा होगा बच्चा। अब यहाँ से कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला इधर जो बैठा था उनकी ओर से, और बच्चा देखा और चुप उठा, झाड़ झुड़ा करके अपने कपड़े को फिर खेलने लगा। आधे घंटे के बाद माता पिता आए, और जैसे ही माँ को वो देखा बस अब रोना शुरू कर दिया। तो बैठा तो उन्होंने कहा, ये ठीक नहीं है। कि क्या ठीक नहीं है, अरे आधा घंटा हो गए गिरे। उन्होंने कहा, आधा घंटा हो गया तुमको गिरे और अब रो रहे हो। तो उन्होंने कहा, आपकी ओर देखा तो उधर कोई सार नहीं लगा, कुछ भी नहीं, हमारी ओर देखे ही नहीं तो रोकर क्या फायदा था, अब जब माँ आ गई है तब न रोऊं, अब तो रोना ही है। माँ है ना तभी रोने में आनंद है, नहीं क्या मतलब है रोने से, कौन कुछ करने वाला है। तो माँ है तो शांति, मैं कह रहा था कि ये शांति ही है, आपके मन में शांति है तो सब कुछ का सुख है, और मन की शांति नहीं है तो सारा ऐश्वर्य भी आपके लिए दो कौड़ी का है। इसलिए मन की शांति का अनुभव करो। मन की शांति ऐसा नहीं कि कभी कभी अनुभव करें, आप उसका हर समय अनुभव कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको 12 बजे दिन में करो, कि 2 बजे दिन में करो, या सुबह सुबह करो, नहीं। क्यों, इसलिए कि वो आपका स्वरूप ही है, आपका निजी तत्व है वह शांति, इसलिए उसको आप हर समय अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न होता है क्यों नहीं कर सकते, फिर ये सब लोग सोचते होंगे, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन कल।